ये पंजाब नूं पछाणा। कुछ सवाल जिहड़े दर्शकां तों लै लैंदे आ क्योंकि क्यों एक मौका केजरीवाल नूं पब्लिक भी पुछना चाहुंदी है। नितिका कुछ सवाल असीं लै सकदे हां पब्लिक तों। बिल्कुल, सब तो पहला मैं जरूर एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि महिलाएं सब तो ज़्यादा पंजाब दे विच कंफ्यूज ने। तुसी गारंटी दे के गए 1,000 रुपए दी कि हर महीने 1,000 रुपए दिते जाएंगे, पर उस तो उच्ची बोली जेड़ी है वो सुखबीर सिंह बादल जी ने लगाती, कहते कि 2,000 रुपए देवांगे। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू कहते 2,000 दे नाल नाल सिलेंडर भी मुफ्त देवांगे। इसनों किस तरह देखते हो तो लगता कि लेडीज़ को सब तो ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है नाल क्यों थोनू वोट देन लेडीज, क्यों स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जड़े हैं वो शुरू नहीं किए जा रहे, या फिर छोटे छोटे स्टार्टअप्स की गल की जाए उसनों लेके क्यों लेडीज़ को जड़ा है अगे नहीं बदन दिता जा रहा, मुफ्त दे विच 1,000 रुपए क्यों? पहली चीज़ तो आपने सही कहा कि भाई हम कह रहे हैं 1,000 देंगे, सुखबीर बादल ने कितने 2,000 बोले हैं, वो कह रहे हैं 2,000 देंगे, सिद्धू साहब कह रहे हैं कि सिलेंडर भी देंगे, तो जनता को ये पता है कि इनमें से असल में कौन देगा, झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। उनको ये पता है कि दिल्ली में हमने जितने वादे करे थे सारे वादे हमने पूरे करे हैं, इसलिए पंजाब में भी हम जो बोल रहे हैं वो देंगे और बाकी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने पूछा कि फ्री में 1,000 रुपये क्यों, ये मैं थोड़ा सा साफ करना चाहता हूँ। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि केजरीवाल जी आप तो फ्री 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 बोलते रहते हो, अगर हम स्कूल ठीक करते हैं, सरकारी स्कूल दिल्ली में शानदार कर दिए और वहां सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, फ्री शिक्षा मिल रही है, तो बताओ इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कोई हो सकता है? अगर हमने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए और दिल्ली में हर एक आदमी को फ्री में इलाज मिल रहा है, चाहे 70 लाख का खर्चा है चाहे 80 लाख का खर्चा है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है, बताओ इससे अच्छा धर्म का काम कोई हो सकता है, पुण्य का काम कोई हो सकता है? अगर दिल्ली में किसी देश में या किसी भी सूबे के किसी मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है, आपके भी जितने मंत्री हैं 4-4, 5-5 हज़ार यूनिट हर मंत्री को फ्री बिजली मिलती है, अगर मैं अपने लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूं हर महीने, बताओ इनको क्यों मिर्ची लगती है, उससे क्यों ये तकलीफ होती है इन लोगों को? अगर मैं हर महिला को 1,000 रुपये देता हूं, ऐसी कई बेटियों को मैं जानता हूं जो 18 साल की उम्र के बाद कॉलेज नहीं जा सकती, बाप के पास पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा है, वो बेटे को कॉलेज भेज देता है, बेटी को कहता है कि रसोई में लग जा, उसकी जेब में 1,000 रुपये जाएंगे तो वो कॉलेज जा सकते हैं, उसकी पढ़ाई पूरी हो सकती है। अगर कोई घर चलाने वाली महिला है, उसके पास पैसे नहीं है बच्चों को खाने के लिए, अगर वो 1,000 रुपये से अपने छोटा बच्चा है उसको दूध बांध देती है, दूध पिलाना शुरू कर देती है, बताओ इससे इनको क्या तकलीफ है? अगर कोई बूढ़ी माँ है, घर में बेटी आई, बूढ़ी माँ का मन करता है इसके हाथ में कुछ रख दूँ, पोते आते हैं दोएते आते हैं, माँ का मन करता है, अभी उसको माँ को बेटे की तरफ देखना पड़ता है, बेटा कुछ पैसे देगा तो अब उसको बेटे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, भगवंत मान 1,000-1,000 रुपये भेजेगा हर बूढ़ी माँ को, अगर वो उस पैसे में से अपने बच्चों के हाथ पे कुछ रख देती है इनको क्या तकलीफ होती? इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि अगर महिलाओं को 1,000-1,000 दे दिए तो इनको लूटने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचेगा, फिर इनके 5-स्टार होटल नहीं बनेंगे, फिर इनकी कोठियां नहीं बनेंगी, ये सारा पैसा हम पैसा जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, हम जनता को वापस कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं? कहते नहीं नहीं जनता को नहीं देना, हम लूटेंगे।